न्यूज वॉइस जो हर खबर से आपको कराए रूबरू। वैसे तो कृषि प्रधान हरियाणा प्रदेश में मनोहर सरकार द्वारा किसानों के लिए नई नई योजनाएं लागू की जा रही हैं ताकि किसान इन योजनाओं का लाभ लेकर अच्छी पैदावार कर सके। वहीं सरकार की इस मुहिम में अन्य एजेंसियां भी पीछे नहीं हैं। इसी के चलते इफ्को द्वारा आज रेवाड़ी जिला के बावल उपमंडल स्थित कृषि अनुसंधान केंद्र में किसान मेले का आयोजन किया गया। इस मेले में प्रदेश के सहकारिता मंत्री डॉक्टर बनवारी लाल ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। इस मौके पर डॉक्टर बनवारी लाल ने इस मेले के आयोजन के लिए इफ्को के प्रबंधकों को बधाई दी और कहा कि किसानों के लिए रखी गई यह संगोष्ठी बहुत सराहनीय कदम है तथा समय समय पर इस तरह के आयोजन होते रहने चाहिए। मेले में लगी प्रदर्शनियों का अवलोकन करने के बाद डॉक्टर बनवारी लाल ने कहा कि इस मेले के माध्यम से किसानों को जागरूक करने के साथ यह बताया जाएगा कि किस सीजन में कौन सी फसल के लिए कौन सा खाद देना जरूरी होता है ताकि किसान कम खर्च में अच्छी पैदावार कर अपनी आमदनी भी बढ़ा सकते हैं। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार में किसानों के लिए विभिन्न योजनाओं के माध्यम से नए नए कदम उठाए जा रहे हैं। कार्यक्रम में पहुंचने पर आयोजकों द्वारा पगड़ी पहनाकर डॉक्टर बनवारी लाल का फूलमालाओं से जोरदार स्वागत किया गया। वहीं इस मेले में बावल उपमंडल के विभिन्न गांवों से सैकड़ों की संख्या में किसानों ने भाग लिया। रेवाड़ी से न्यूज वॉइस के लिए संजय कौशिक के साथ अजय सागर अत्री की रिपोर्ट। क्या कुछ कहेंगे? देखो, आज इफ्को द्वारा ये किसान मेला जो आयोजित किया गया है, इसमें किसानों को जो शिक्षा दी जाएगी, जो ज्ञान दिया जाएगा कि किन किन खाद से और किस समय कौन सा खाद दिया जाए, कितना पानी दिया जाए और किस तरह से किसान अपना कम खर्च में अपनी आमदनी बढ़ा सकते हैं, इस तरह की जो इफ्को द्वारा आज ये संगोष्ठी किसानों के साथ रखी गई है, तो मैं चाहता हूँ कि वही लोगों को, किसानों को ज़्यादा से ज़्यादा इसका फायदा मिले और एक अच्छी मुहिम है। और मैं इनसे अनुरोध भी करूँगा कि समय समय पर इस तरह का आयोजन ये करते रहे ताकि हमारे किसान भाइयों को इसका ज्यादा से ज्यादा फायदा मिले। अलग अलग तरह की प्रदर्शनियां लगी हुई है, उसका भी अवलोकन आपने किया है, उसको लेकर क्या करें? वही तो मैं देख रहा था भी, कहीं जैसे खाद है, कहीं फंगिसाइड है, कहीं इंसेक्टिसाइड्स हैं और जो किसानों की जानकारी के लिए जो रिटर्न मटेरियल भी है जो किसान भाइयों को बताएंगे कि ये चीज़ें, ये खाद किस समय यूज़ करना है आपने, ये इंसेक्टिसाइड या फंगिसाइड कब यूज़ करना है ताकि जो फसल कोई रोग ना लगे, इस सब जानकारी हमने इसमें।